आज हमारा जो अभियान है स्वीप अभियान, उसकी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। और इस कारवा में हम हर बार दो बच्चे जो है ऐसे लेते हैं जिनसे हम बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं आज की स्थितियां, बच्चे बोर्ड क्यों नहीं करते हैं, क्या वजह है, मतलब बोर्ड के बारे में हर तरह की जानकारी लेने के लिए। तो हमारे बीच में आज जो है अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से है अंजलि शर्मा और अंकिता ठाकुर, दोनों के लिए क्लैप हो जाए, तालियां हो जाए, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अंजलि से मैं जानना चाहूंगा कि आप जो है आपका बैकग्राउंड, क्योंकि जरूरी होता है कि पहले हम अपना बारे में बताएं कि किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, कहां आपके घर हैं। प्लीज अंजलि बताएं अपना। सो मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं हिमाचल देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के छोटे से गांव गोहर की रहने वाली हूँ। वेरी गुड। मैंने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोहर से की है जी। और बैचलर ऑफ एडुकेशन की अभी डिग्री मैं हासिल कर रही हूँ अभिलाषी कॉलेज ऑफ एडुकेशन। वेरी गुड अंजलि का। अंजलि जो है वो यहीं के, मतलब अगर देखा जाए तो हमारा जो नियर अबाउट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहीं से ये बिलोंग करते हैं। तो मतलब अगर ये यहाँ एजुकेट हुए हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर भी जो लोगों को एजुकेट करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। यस, दूसरे हमारे जो है वो है अंकिता, तो प्लीज अंकिता बताएं अपने बारे में। सर मेरा नाम अंकिता ठाकुर है और मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी, वेयर आई वॉज रेज एंड बॉर्न एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जीसी कुल्लू एंड प्रायर टू दैट आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम जीएसएस बुट्टी एंड नाउ आई एम इन अभिलाषी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर फर्दर पर्स्यू माय बीएड। आपका स्वागत है मंडी में कुल्लू वालों का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मंडी वो जगह है जहाँ से चारों तरफ के आपको देखने को मिलेंगे, मंडी वो हब है जहाँ पूरे हिमाचल के बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो दोनों के लिए फिर से एक बार क्लैपिंग जो हो जाए। दूसरा प्रश्न मेरा रहेगा, पहले अंजलि आपसे लेते हैं कि आपकी नजर में जो है आपने देखा होगा कि देशभक्ति को आजकल बहुत दो महीने में लिया जा रहा है, तो आपकी नजर में मैं चाहूंगा अंजलि सबसे पहले कि देशभक्ति आपकी नजर में क्या चीज है। सर मेरी नजर में देशभक्ति केवल 52 सेकंड के लिए राष्ट्रगान के लिए खड़े होना या जोर जोर से भारत माता की जय का नारा लगाना या फिर इसके अतिरिक्त साल में दो बार तिरंगा लहराना ही नहीं है मेरे लिए, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है वो देशभक्ति है मेरे लिए। अपने अधिकारों से पहले कर्तव्यों का पालन करना देशभक्ति है और राष्ट्र हित के लिए अपना योगदान देना देशभक्ति है। और मैं यह भी कह सकती हूँ कि इलेक्शंस में अपना वोट देकर राष्ट्र हित के लिए एक अच्छा नेता चुनना भी देशभक्ति है। वेरी गुड। अरे अंजलि ने कुछ नहीं छोड़ा, उसने इतना अच्छे से डिफाइन किया। और मुझे लगता है अब अंकिता के पास क्या बचा है वो भी सुन लेते हैं। अंकिता प्लीज। सर देशभक्ति मैं कहूंगी कि एक फीलिंग है सर देशभक्ति की, जो हमारा प्रेम हमारे देश के लिए है, ये एक ऐसी फीलिंग है कि जिसमें हम ये ना सोचे कि हमें देश से क्या मिला है या सोसाइटी ने हमें क्या दिया है। इसमें ये फीलिंग है कि हम अपने देश को क्या दे सकते हैं या हम अपने सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियलिस्टिक थिंग्स कि आप फंड देते हो गवर्नमेंट को, आप टैक्स पे करते हो, इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें करते हो आप अपने स्तर पर, जो हम देश की भलाई के लिए करते हैं, सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाना, ये भी देशभक्ति है सर। फिर अपने एनवायरमेंट की प्रिजर्वेशन, ये भी सर देशभक्ति है। एक अच्छा नागरिक बनना भी एक देशभक्ति है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा ये देश सचमुच सोने की चिड़िया बनेगा। बहुत बहुत बेस्ट आंसर आप लोगों से मिले हमें। आगे मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे जो अधिकतर जो नौजवान है ऐसा देखने में आता है कि वो वोट कास्ट नहीं करते हैं, ऐसा सर्वे में आता है, तो आपकी नजर में, क्योंकि आप भी उसी में से आते हैं, तो आपकी नजर में बच्चे जो है वो वोट की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, कारण क्या है? It's really sad कि भारत being the biggest democracy in the world, it's really sad कि युवा जिन्हें हम बहुत ज्यादा opinionated मानते हैं वो वोट देने के अधिकार के प्रति, मतदान के प्रति जागरूक नहीं है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो lack of interest, उसके बाद हो सकता है उनकी family से बहुत ज्यादा influence होते हैं युवा। हमारे देखा जाता है कि घर वालों की तरफ से जिस सरकार की तरफ वोट देने के लिए कहा जाए
युवा वहीं पर ही वोट देता है, उनका कोई अपना ओपिनियन नहीं है जी। उसके अलावा यदि देखा जाए तो स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप नहीं किया जाता है जी जी। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, दे डोंट नो कि वो राष्ट्रहित के लिए किस तरह से योगदान दे सकते हैं। और सबसे पहला, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं मानती हूँ कि व्हेनेवर यू आस्क दिस क्वेश्चन अराउंड कि व्हाई डोंट यू कास्ट योर वोट, आप ये क्वेश्चन यूथ से पूछते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये आंसर मिलेगा कि दे ऑल आर द सेम, तो व्हाट डिफरेंस इज इट गोइंग टू क्रिएट, व्हाट डिफरेंस इज माय वन वोट गोइंग टू क्रिएट। बट देयर इज एन ऑप्शन ऑफ नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज विद अस। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो हमारे जो महाराष्ट्र के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है जे एस सहारिया जी, उन्होंने ही डिक्लेयर दैट इफ नोटा गेट्स मैक्सिमम वोट्स तो उसके बाद नन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर इलेक्टेड। तो हमारे पास, हम किसी गलत इंसान के पास सरकार जाने से, हम किसी गलत इंसान के पास हमारे देश का प्रतिनिधित्व जाने से रोक सकते हैं और एक अच्छा नेता हमारे देश के लिए चुन सकते हैं। तो इस, मुझे लगता है कि लोगों को इसलिए जागरूक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही अंजलि ने, इसने अपने बात अपने वक्तव्य में एक बात कही जो ध्यान देने योग्य है कि अगर आप एनॉयड है सभी जो आपके कैंडिडेट खड़े हैं और आपको वो पसंद नहीं है तो आपको क्या करना है, नोटा जो सबसे लास्ट में होता है नन ऑफ द अबव उसको दबाएं, मतलब आपको हर हालत में अपना वोट कास्ट करना ही करना है। चलिए यही, अगर थोड़ा सा इसी क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा नहीं, आपसे मैं थोड़ा सा अलग से पूछता हूँ कि जो आपने वोट बना लिया अपना, आपका आपने वोट भी कास्ट किया है, तो जब आप वोट कास्ट करते हैं, जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या पिक्चर लेकर चलते हैं? सर सबसे पहला जो होता है फैमिली डिस्कशन जी। उस वक्त सर फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने जा रहे तो कुछ भी नहीं पता कि वहां पे कैसे जाना, कैसे वोट देना, तो सबसे पहले फैमिली डिस्कशन जिसमें फैमिली हमें सब कुछ बताएगी कि बच्चे ये दिस पार्टी, तो पहला ये होता है सर। दूसरा सर ये थॉट होता है माइंड में, एक्साइटमेंट भी सर बहुत होती है कि फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने जा रहे हैं कैसा होगा। और सर अभी मैं आपको बताऊं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया था अपना, तो सर जैसे वो साइन जो वोटिंग का हमें लगता है, तो सर उस साइन को देख के बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था सर, बहुत खुशी हुई कि हमने भी अपनी कंट्री के लिए कोई कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया सर। तो वो, और सर जो कैंडिडेट सर उठते हैं वो आपसे बात करने आते हैं सर, वोट मांगने गांव-गांव में आते हैं, हमारे गांव में भी आए, तो सर हमने उनके भाषण सुने। वैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि नेता का काम भाषण देना ही होता है, लेकिन मैं बोलूं तो भाषण देना भी सबके बस की बात नहीं होती। एक भाषण ही होता है जिसमें जो कैंडिडेट होता है वो अपने पॉलिसीज को बताता है कि वो हमारे लिए क्या करेगा, और सर फिर थोड़ा उनके बैकग्राउंड के बारे में भी जाना कि अब तक इन्होंने क्या किया है, और उन्होंने अपने भाषण में बताया कि वो आगे क्या करेंगे। तो सर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर आस पड़ोसी भी आपको थोड़ा गाइड करते हैं। हमारा वोटिंग सेंटर सर थोड़ा दूर है, पैदल चल के जाना पड़ता है, तो रास्ते में जो वोट कास्ट करके आ चुके होते हैं लोग वो आपको मोटिवेट करते हैं, बिना मांगी सलाह देते हैं सर। ठीक है, वो कहेंगे कि किसे वोट दे रहे हो, हम कहते हैं कि देखेंगे, तो वो हर एक आदमी आपको अपने हिसाब से अलग अलग सलाह देते कितने आदमियों को सुनते सुनते ऊपर पहुंचते हैं कि इसको देना ये, लेकिन सर तो ये सब सिचुएशन से मतलब सुनो सबकी और करो मन की। यस, बहुत बढ़िया। मेरा अंतिम जो है, वैसे दिल तो ऐसा कर रहा है कि बहुत सारे प्रश्न आपसे मैं लूं, क्योंकि जो आंसर हमें मिल रहे हैं वो अनएक्सपेक्टेड है। ऐसा लगता है कि सचमुच हमारे जो भावी शिक्षक हों वो इस ज्ञान के साथ जो है आगे बढ़े, तो सोचिए भारत की तस्वीर क्यों नहीं बदलेगी। तो अंजलि सबसे पहले आपसे कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ युवा भी बैठे हैं, आपके साथ ही बैठे हैं, और मुझे लगता है ये जो आपकी वीडियो है ये यहां तक सीमित न रहकर ये दिल्ली तक पहुंचेगी, तो मैं चाहूंगा कि आप अपील करें, एक अच्छी सी अपील जो दिल से निकलते हो, शब्द वही काउंट करते हैं जो दिल से निकलते हो, तो प्लीज आप अपील करें 100% मतदान की प्लीज। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार अपना वोट दिया था, उस समय बहुत ज्यादा सहज और
अपने विचारों को जोड़ते हुए मैं वोट देने गई, और जब मैंने पहली बार वोट दिया उस समय एक भारतीय नागरिक होने का जो मुझे गर्व महसूस हुआ उन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हमारी भारत, हमारा देश भारत, इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एंड यूथ बीइंग द 65% ऑफ द वोटर्स, हमारा यूथ का योगदान बहुत ज्यादा हो सकता है एक अच्छा राष्ट्र बनाने में, और ईच एंड एवरी वोट काउंट्स। तो मैं यह आशा करती हूँ कि हमारे सभी युवा साथी अपना पूरा योगदान देंगे हमारे राष्ट्र हित के लिए, और अपने देशभक्ति का प्रमाण देंगे, और 100% वोटिंग के साथ हमारा इस बार का मतदान। थैंक यू। और इसी प्रश्न को आगे लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ अंकिता भी अपने विचार रखे, हर व्यक्ति अपने तरह से अलग होता है। अंकिता प्लीज आप भी अपना व्यू रखें। सर अपील करने से पहले मैं सबको पहले ये बताना चाहती हूँ कि वाई वोट जी, क्यों वोट क्यों जरूरी है। तो वोट जो है वो थ्री रीजन से जरूरी है, वन हैज टू डू विद आवर पास्ट, वन हैज टू डू विद आवर प्रेजेंट, एंड वन हैज टू डू विद आवर फ्यूचर। सो व्हेन इट कम्स टू पास्ट वी शुड नॉट टेक वोटिंग ग्रांटेड, क्योंकि जो आज हमें ये वोटिंग का राइट मिला है ये बहुत सारे स्ट्रगल से मिला है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस से मिला है। एक टाइम था जब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, वुमेन हो गई, गरीब लोग हो गए, जो लोग कॉलोनीज में रहते थे वो लोग हो गए। तो आज जो हमें ये राइट मिला है वोटिंग का, इट इज द रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, सो वी शुड ऑनर इट एंड शुड कैरी फॉरवर्ड। और जो प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट पे जिस प्रतिनिधि को हम चुनकर आगे भेजते हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे हाथों में है ये पावर कि हमें एक अच्छे कैंडिडेट को जो है आगे भेजना है। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो इंडिया की बात करूं, किसी भी दूसरे कंट्री में बहुत सारे एक्सक्लूडेड सब्जेक्ट्स है, जैसे कि वेदर इट्स यंग पीपल, जो माइग्रेंट्स होते हैं, या फिर जो माइनर लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इन सभी की जो फ्यूचर से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बागडोर है, उन सब का फैसला भी हम ही करते हैं वो एक वोट डाल के। तो जो वोटिंग है वो हमारा राइट तो है, लेकिन राइट के साथ साथ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें वोट कास्ट करना है। तो मैं अपील करती हूं सभी से कि जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो फिर से एक बार अपनी सरकार चुनने जा रहा है, और भारत के प्रत्येक नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिला है। तो हम एक शपथ लेंगे कि ना ही डर से, ना ही किसी के दबाव में आके, ना ही धर्म और जाति के नाम पर, ना ही पैसों के लिए, ना तो हम अपना वोट बेचेंगे, और सुनिश्चित करेंगे कि इस साल वोटिंग में जो है 100% 100% भागीदारी हो हमारी। जय हिंद। ये है हमारा बल का युवा। सोचिए ऐसे बच्चे अगर राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर देंगे ऐसी सोच के साथ, तो इस देश की तकदीर ही बदल जाए। तो बेहतर है इसी सोच के साथ आप आगे बढ़िए। और अंजलि, मैं 100% श्योर करता हूं कि आपकी जो वीडियो है वो बहुत आगे तक जाएगी और लोगों के दिलों तक जो है वो ये असर करेगी, ऐसा मैं मानता हूं। आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।